हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे साइंट लिमिटेड की, साइंट डीएलएम लिमिटेड। अभी अभी इसका आईपीओ आया था, अच्छी खासी यहाँ पर लिस्टिंग हुई थी। लिस्टिंग के बाद भी अभी देखे तो अच्छा खासा इसके अंदर तेज़ी आई। आज भी थोड़ी सी तेज़ी थी 5% की, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। और क्यों, इसका रीज़न भी है। आज की एक तो ये कैंडल जो है एक बेरिश हैमर बनी, ऊपर में अच्छा खासा हाई बनाया 550 तक का, वहाँ पर टिक नहीं पाया। वहाँ से अच्छी खासी जो है एक मुनाफा वसूली आई, जो कि 518 रुपये के आसपास इसने क्लोजिंग दी। और क्लोजिंग भी अगर देखें तो लो के करीब दी, जो कि 505 रुपये के आसपास का इसने एक लो बनाया था। और अब नेक्स्ट इसके सपोर्ट कहाँ पर हो सकते हैं वो भी हम देखेंगे। आगे देखते हैं इसका आज का कारोबार की अगर बात करें तो तकरीबन आज 12 लाख के आसपास की डिलीवरी उठी है, सिर्फ 16% ही, परसेंटेज वाइज अगर डिलीवरी देखें तो थोड़ी सी कम है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके अंदर गिरावट आ सकती है थोड़ी सी। अभी मुनाफा वसूली इसको कह सकते हैं, गिरावट नहीं तो 15 मिनट का चार्ट के ऊपर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर इसकी जो है लिस्टिंग हुई और उस दिन जो है पूरे दिन थोड़ा सा एक कंसोलिडेशन रहकर ऊपर में थोड़ा सा बंद हुआ। आखिरी घंटे में इसके अंदर तेज़ी आई थी। और कल के दिन की अगर बात करें तो एक अच्छी खासी जो है 17% के आसपास की शुरुआत में ही तेज़ी रही है, उसके बाद थोड़ा सा फिर से कंसोलिडेशन हुआ दोपहर में, और इसी लेवल के आसपास 500 रुपये के आसपास की इसने क्लोजिंग दी। लेकिन आज की अगर बात करें तो सीधा सीधा ऊपर यह खुला, वहाँ पर टिक नहीं पाया और नीचे आया। और थोड़ा सा इसको जूम करके हम देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन की अगर बात करें तो शुरुआत में ही जो है इसने ये 550 रुपये के आसपास का हाई बनाया और बिल्कुल भी वहाँ पर टिक नहीं पाया और ये थोड़ा सा नीचे आया। उसके बाद पूरा दिन कंसोलिडेशन रहा और आखिरी एक घंटे में आप देख सकते हैं कि इसके अंदर एक गिरावट आई, मुनाफा वसूली आई। साथ ही साथ ये जो सवेरे की 550 रुपये का हाई बनाया वहाँ पर वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा था, इतना वॉल्यूम पूरे दिन में देखा नहीं गया। तो इसके अंदर लग रहा है कि जो है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है तो आप थोड़े से केयरफुल रह सकते हैं। साथ ही साथ अगर सब्सक्राइब जरूर कर ले हमारे चैनल को अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो। यहाँ पर अभी देखें नीचे में सपोर्ट कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो दिख रहा है 500 रुपये से लेकर 480 जो है ये जोन, क्योंकि यहाँ पर से लेकर यहाँ तक का जो जोन है ये एक अच्छा खासा सपोर्ट दिख रहा है। और अगर रजिस्ट्रेशन की बात करें, तेज़ी की बात करें, क्योंकि शेयर मार्केट है कुछ भी हो सकता है, तो ये जो लेवल है जो कि 530 से लेकर 535 का जो जोन है यहाँ पर, इसको पार करना ज़रूरी है। जब तक इसके पार नहीं जाएगा तब तक इसके अंदर जो है फर्दर तेज़ी नहीं आ सकती। तो ये जो है सारे के सारे लेवल आप नोट करके रख सकते हैं। अगर इसको पार करता है तब जो है वापस से 550 से और उसके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कल तक जो है ये इसके ऊपर जा सकता है, बल्कि थोड़ी सी गिरावट इसके अंदर आ सकती है। आज के वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मैच्योरिटी के साथ खुद ही ले। वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।